हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस। ट्रायंगल कैसे किए जाते हैं। हम एक पहला क्वेश्चन है हमारा 2:3:4। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 2:3:4 हमारे जो ट्रायंगल के एंगल है तीनों वो रेशियो में दिए गए हैं। तो हमारा एंगल ए बी सी क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम एंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल कंप्लीट बनेगा। तो एक जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 2 दे दी गई है, एक 3, एक 4 दे दी। इसे हमें एंगल में बताना कि एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम हमेशा जो रेशियो हमारा होता है उसे हम हमेशा एक्स में लिखेंगे। रेशियो होता है उसे हम एक्स में लिखेंगे। तो हमारा होता है, तो हमारा 2 है तो 2 का हमारा होता है 2x प्लस 3 का। ये हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब का ऐड 180 के बराबर आएगा तभी हमारा ट्रायंगल एक कंप्लीट बनेगा। 3x प्लस 4x स्क्वायर टू 180 डिग्री। मीन्स तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर आने चाहिए। तो तीनों को हम ऐड कर ले तो हमारा आंसर आए 9x स्क्वायर टू 180 डिग्री। तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमारा 9x है। अब इधर से हम x है तो x तो हम इधर भेजेंगे ना, x तो हमें निकालना है। तो 9 को हम इधर भेजेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 180 अपॉन 9 9 1 9 9 2 18। तो 20 डिग्री हमारी क्या निकल गई, x की वैल्यू। अब हम जहाँ जहाँ पे हमारा ये रेशियो में दिया गया वहाँ हम x की वैल्यू हमें जान गए तो अब वहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। तो अब हम हमें x की वैल्यू पता है 20 आ गई है। तो अब इसे हम कर लेते हैं। पहला हमारा था 2x, 2 के बीच में हमारा 2 into x है। तो 2 into x की वैल्यू क्या निकली थी, 20 निकली थी। तो 2 into 20 इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। एंगल ए जो हमारा है वो क्या आ गया, 40 डिग्री। और दूसरा हमारा क्या है, 3x क्या है, 3x। तो 3 into 20 हम इस तरह पूरा एकदम डिटेल में लिखेंगे नहीं तो हमारा आंसर गलत माना जाएगा। तो तीसरा हमारा हो जाएगा 3 into 3 तो 60। एंगल बी हमारा क्या है, 60 डिग्री। तो और चौथा एंगल हमारा, तीसरा एंगल है 4x। तो 4 into 20 इक्वल टू 80 डिग्री। तो थर्ड हमारा 80 डिग्री आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत। हमारा वेरीफाई करने का तरीका होता है एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल तीनों का सम 180 आएगा तभी हमारा एक कंप्लीट एंगल ट्रायंगल माना जाएगा। तो पहला एंगल हमारा क्या था, 40 प्लस क्या है, 60 प्लस 80 प्लस, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180। तो हमारा ये जो आंसर है ये क्या है, राइट आंसर है, मीन सही है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या बोलते हैं, एंगल दिए गए हैं, मीन्स एंगल ए बी सी। पहला एंगल हमारा एंगल दे दिया गया है 4 और दूसरा हमारा एंगल दे दिया गया 4 और एंगल दे दिया 3 और एंगल दे दिया 6। 4, 3, 6 हमारा एंगल दे दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे इसे, इसे हम करेंगे, पहले हमारा एंगल 4 था, एंगल 3 था, एंगल 6 था। तो इसे हम करेंगे, तो हम जो हमारा एंगल में है, जो एंगल 4 है, तो इसे हम एक्स अपॉन 4 लिख देंगे क्योंकि हमारा एंगल में, तो इसे चेंज करने के लिए हम एक्स अपॉन 4 लिख देंगे। और एंगल 3 को क्या कर देंगे, एक्स अपॉन 3। इस तरह हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, एक्स अपॉन सिक्स। तो अब ये हमारा इस तरफ हो गया। तो अब हम एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी हमारा आंसर सही होगा।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम इन तीनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा निकल आएगा 12, इन तीनों का एलसीएम 12 निकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4 है उसका टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 4 3 12, तो 3 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 4 12, तो हमारा आ जाएगा 4 3 4 12 आया, तो 4 इंटू एक्स तो 4x हो गया, प्लस 6 6 2 12, तो हमारा ये 2x हो गया, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9x अपॉन 12, तो हम इधर हमारा 180 हो जाएगा डिग्री। तो अब ये 12 को हम इधर भेजेंगे तो इधर हमारा डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अब हम इधर आंसर निकाल लेते हैं। फिर सब हम आगे का यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारा क्या आएगा, हमारा कहाँ पे था आंसर, 9x अपॉन 12 था, हमारा डिवाइड किया था तो हमारा 12 इधर उठ के आया था, तो 180 इंटू 12 किया तो हमारा आंसर आया 9x बराबर 2160, हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इधर 9x है तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, तो 9 1 9 और हमारा 240, 9 2 80, 9 4 36, तो इस तरह हमारा ये 240 हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या है 240 डिग्री। तो अब हम जहाँ जहाँ पे हमारा x अपॉन 4 था, x अपॉन 3, तो वहाँ पर हम x की जगह पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, 240 की। तो अब हम पहला देख लेते हैं, पहला हमारा तो क्वेश्चन था x अपॉन 4 था, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 240 अपॉन 4, तो 4 4 4 6 24, तो हमारा जो एंगल ए है वो क्या आ गया, 60 डिग्री। और दूसरा हमारा था x अपॉन 3 था, तो इसका हमारा 240 अपॉन 3 आ गया, 3 1 3 8 3 24, तो आ गया 80 डिग्री। तो दूसरा हमारा क्या आया, 80 डिग्री, ये हमारा एंगल ए था, एंगल बी, अब एंगल सी हम नीचे उतार लेते हैं, एंगल सी था हमारा x अपॉन 6 इसका 240 अपॉन 6 6 6 1 6 और 6 4 24, हमारा ये 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री एंगल सी। तो अब हम इसे वेरीफाई क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड लेंगे तभी तो हमारा आंसर सही है, तीनों को हम ऐड कर लेते, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 100 प्लस 80 इक्वल टू 100, तो हमारा ये आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हमारा इस तरह आता है, हमारा क्वेश्चन आता है कि एक हमारा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 40 है और दूसरी साइड 70 है, तो एंगल है, तो तीसरा हमारा क्या होगा, मीन्स हमारा तीसरा एंगल है वो क्या होगा, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, तो इस एंगल को हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180 होगा, तो एंगल ए हमारा है 40, एंगल बी हमारा 70, तीसरा हमें एक्स पुट कर देगी क्योंकि हमें ये पता नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 110 प्लस एक्स आ जाएगा और इधर हमारा 180 हो जाएगा, तो अब ये 110 इधर माइनस में हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 110, तो हमारी एक्स की वैल्यू है वो पुट हो जाएगी, तो हमारी आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा जो तीसरा एंगल है वो 70 डिग्री आ जाएगा, तो 40 प्लस 70 प्लस ये वाला 70, तो हमारा 140 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 180। तो इस तरह ये हमारे ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलो, अगर आपको समझ में आया तो।